दोस्तों करते हैं आज एक फोन की अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है बॉक्स कंटेंट्स। तो आज हमारे पास में है जियो F90M, आल्सो नोन एज जियो फोन। दोस्तों करते हैं आज इस वीडियो में इस फोन की अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है बॉक्स कंटेंट्स, देखते हैं क्या है जियो फोन के कुछ बेसिक फीचर्स और जियो फोन का फर्स्ट लुक आपको कैसे देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऋषभ जोशी। तो आइए प्रारंभ करें। बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जियो डिजिटल लाइफ पेशवा बाजीराव का सिंबल। यहाँ पे मिल जाता है आपको वॉच ऑन टीवी सिंपली बाय कनेक्टिंग का केबल। इधर मिल जाता है पावर्ड बाय काई ओएस और इधर IMEI और मॉडल नंबर। इधर मिल जाता है जियो फोन, मॉडल नंबर है F90M। बॉक्स के पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। यहाँ पे लिखा है MRP नॉट फॉर रिटेल सेल। फ़ोन के अंदर आपको मिल जाता है एक हैंडसेट, एक अडैप्टर, एक बैटरी, एक वारंटी कार्ड, एक जियो सिम कार्ड। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा मेड इन चाइना। और हेड सार की बात करें तो 0.429 है और बॉडी सार है 0.796। तो जल्दी से बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे सील काटी और ये खोला और ये आपका फ़ोन आ जाता है। यहाँ पे बॉक्स को जैसे पुल अप कर लेते हैं, बॉक्स कंटेंट्स की बात करें, बॉक्स कंटेंट बात करें तो यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाता है और यहाँ पे एक बैटरी बॉक्स साइड में रख देते हैं। बैटरी 2000 mAh की है और अलग से मिलती है, आपको लगानी पड़ेगी। ये आपका फ़ोन है, ये आपका चार्जर है, इसको भी खोल लेते हैं। और तो ये इसका चार्जर है कुछ इस तरह से। और चार्जर की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 5V 0.7 ampere की रेटिंग। और ये आपका फ़ोन आता है। फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्पीकर्स, यहाँ पे 2 megapixel का कैमरा। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टॉर्च, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3.5 mm जैक, साइड में चार्जिंग के लिए पोर्ट। और बस यही है फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। यहाँ फ्रंट में कैमरा, स्पीकर्स, ये बटन्स। तो फ़ोन को ज़रा खोल लेते हैं। ये मैंने निकाल दिया इसका स्टिकर और इसको खोलते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ोन को जिस तरह से खुल गया है। और फ़ोन का इंटरनल व्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रीलोडेड जियो सिम कार्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको SD कार्ड के लिए स्लॉट मिल जाती है, यहाँ पे आपका 2 megapixel का कैमरा है, ये आपका स्पीकर है। स्पीकर का डिज़ाइन डायगनली है तो और काफ़ी लाउड स्पीकर है इसका। तो बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। 2000 mAh की बैटरी है इसकी, ये मैंने बैटरी को लगा दिया है। तो ये बैटरी लग गई कुछ इस तरह से। और अब फ़ोन को बूट करके देख लेते हैं। फ़ोन यहाँ पे खुल रहा है और जब तक फ़ोन खुलता है इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो फ़ोन में यहाँ पे आपको मिल जाता है HD वॉइस कॉल, 2.4 इंच की QVGA TFT डिस्प्ले, 2 megapixel प्लस VGA कैमरा, वाईफाई कनेक्टिविटी, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, माइक्रो SD कार्ड अप टू 128 GB, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, 2000 mAh बैटरी, वायरलेस FM रेडियो, GPS, ब्लूटूथ, 512 MB रैम, 4GB मेमोरी, वॉइस असिस्टेंट हेलो जियो। और जियो सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जियो सिनेमा, जियो TV, जियो पे, जियो शेयर, जियो म्यूज़िक और माई जियो के एप्लीकेशंस। तो फ़ोन यहाँ पे कुछ इस तरह से बूट हो रहा है। और फ़ोन में आपको मिल जाता है KaiOS जो कि लिनक्स पे बेस्ड है, तो काफ़ी सिक्योर बताया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स लाइटन अप हो गए हैं और फ़ोन बस खुलने ही वाला है। और ये फ़ोन खुल गया है। टाइम अभी हो रहा है 12:46 AM, रात के 12:30 के आसपास टाइम हो गया है। ऊपर फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे आपको जियो 4G लिख के आ गया है। यहाँ पे पास से दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको LTE लिख रहा है, यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है और ये टाइम। तो फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू कुछ ऐसा है फ़ोन को जब खुल जाता है। पीछे लाइफ की ब्रांडिंग मिल जाती है बैक केस पे। तो यहाँ पे आपका फ़ोन खुल जाता है, ये आपका मेन्यू का बटन है, इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको मेन्यू में सबसे पहले मिल जाता है कॉल लॉक, कॉल लॉक के बाद कॉन्टैक्ट, जियो स्टोर, मैसेजेस, क्लॉक, कैमरा, कैलेंडर, म्यूज़िक गैलरी,
FM रेडियो, ब्राउज़र, कैलकुलेटर, वीडियो सेटिंग्स, यूनिट कन्वर्टर, नोट, हेलो जियो, जियो सिनेमा, जियो गेम्स, जियो म्यूज़िक, जियो शेयर, जियो टीवी, जियो वीडियो कॉल, जियो एक्सप्रेस और माई जियो के एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बटन्स हैं, जैसे कि अगर आप 5 का बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सीधे SOS हो जाएगा, स्टार का बटन से ये लॉक अनलॉक होता है, 0 के बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्टली ब्राउज़र पे ले आएगा। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, अगर इस वाले बटन को आप लॉन्ग प्रेस करते हैं सीधे माई जियो एप्लीकेशन खुल जाएगी। ये वाला बटन जियो पे के लिए है, इस बटन से आपकी सीधी वीडियो कॉल हो जाएगी। और फ़ोन की कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो कोई ऐप अपनी फेवरेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे माई जियो अगर फेवरेट कर दूँ तो सीधे टॉप पे ले आएगा। ओके कर दिया और एक मिनट, तो अब माई जियो सीधे आप देख सकते हैं टॉप पे आ गया है और यहाँ पे एक लाइन डॉट सा आ गया है जिसको जो बताता है कि ये आपकी फेवरेट है। आप इसको चाहें तो यहाँ से अनफेवरेट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से कुछ इस तरह अनफेवरेट कर दिया तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्राउज़र। इसको खोल के देखते हैं तो सीधे डायरेक्टली आपके लिए यहाँ पे गूगल खुल जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह से स्पीड मिलती है आपको इंटरनेट की। कई लोगों का मेरे पास क्वेरीज आ रही थी क्या इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलेगा, तो मैं बता दूं कि अभी तक इसमें व्हाट्सएप के लिए कोई अपडेट या कोई बात कुछ नहीं हुई है। हाँ, जहाँ तक की बात करें फेसबुक और इंस्टाग्राम की, तो जी हाँ वो बिल्कुल चलेगा। और यहाँ पर मैं आपको चला के दिखा भी देता हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम किस तरह से चलेगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस FM रेडियो, सो उसको ही प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस FM रेडियो का ऑप्शन मिल जाता है, माय फेवरेट सॉन्ग, चेंज कर लो होटल लेके रे फेमस नोटा स्टेरी कर
दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।